नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। किसी की जिंदगी को बचाना सबसे बड़ा कार्य होता है, और यदि आप रक्तदान करकर किसी मरीज की या किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाते हैं तो इससे बड़ी आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। जीवन की खुशी को नए तरीके से मनाने के लिए हसारी स्थित मेट्रो नर्सिंग होम में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेसी नेता गगनप्रीत सिंह और उनके पिताजी के नेतृत्व में चलाई गई इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान मेट्रो नर्सिंग होम के संचालक ने लोगों से खास अपील भी की है। गगनप्रीत ने भी लोगों से रक्तदान को लेकर अपना संदेश दिया है। मार्केट संवाद भी आपसे अपील करेगा कि कृपया रक्तदान जरूर करें और दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आएं। आइए गगनप्रीत और उनके पिताजी के वाक्य सुनते हैं। आज ये रक्तदान शिविर हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल हसारी झांसी में लगवाया है, जिसमें हमने अपने करीबी लोग और स्टाफ के लोग सबने रक्तदान किया है। ये एक समाज के प्रति हमारी एक सेवा है, जो आज कोरोना महामारी के समय जो रक्तदान के लिए जो लोग पीछे हट रहे थे, तो उनको ये एक मैसेज है कि आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे वीर जो रक्तदान करने में सबसे आगे आ सकते हैं, ऐसे हम लोगों ने एक प्रेरणा लोगों को दी है। तो इसी प्रकार से हम लोग आज रक्तदान शिविर लगाया है मेट्रो नर्सिंग होम की ओर से। आज ब्लड डोनर लगा हुआ है, क्या संदेश देंगे? मैं आम जनता को ये संदेशा देना चाहूँगा कि किसी कोई भी खुशी मनाने का ये एक अलग तरीका है, जिसमें पूरा समाज हमारे साथ शामिल होता है। और रक्तदान अपने आप में महादान है, और इस कोरोना के समय में ये रक्त जिन जरूरतमंदों को मिलेगा उससे मुझे और हमारे सारे हॉस्पिटल के लोगों को असीम खुशी प्राप्त होगी। तो मेरा संदेश यही है कि आप अपनी खुशियाँ रक्तदान करके और तब मनाइए, जिससे कि आपकी खुशी में ऐसे लोग भी शामिल हो जाएंगे जिनको आप जानते तक नहीं। धन्यवाद।